कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब कैसे होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको खुशबाद रखे अपने घरों में और जहाँ के भी हैं, अल्लाह पाक आप सबको अपने जुमान में रखे। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। यहाँ पे कुछ मेहमान आए हैं, मतलब हज पे आए थे, तो यहाँ पे मक्के से भी मदीना आए हुए हैं, तो हज पे आए थे वो लोग, तो अभी यहीं पे मदीने में है। तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं सब, तो उनके लिए मैं बिरयानी तैयार कर रही थी। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने इतना मतलब इतने बर्तन वगैरह नहीं लिए, बड़े बर्तन वगैरह, तो सिर्फ ये एक ही आप लोग देख सकते हैं बड़ा बर्तन लिया है मैंने, वो भी इतना बड़ा नहीं है, तो लेकिन है बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, तो इस वजह से मसला ज़्यादा हो रहा है। मैं बिरयानी बना रही हूँ, तो मसाला भी बना लिया है मैंने सारा कुछ, और चावलों को भी उबाल लिया है। अभी सिर्फ ये करना है कि ये टिक्का मसाला या टिक्का बिरयानी कह लो, वही बिरयानी है। तो अभी मैं बना रही हूँ, साथ साथ में आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी। ये देखिए, ये देखिए का जो कवर है ऊपर वाला, वही उसके ऊपर भी मैंने ये चावल डाले हैं, क्योंकि चावल ज़्यादा हैं और मेरे पास इतने बड़े बर्तन हैं नहीं कि मैं उसमें रख लूँ। और यहाँ देखिए फ्राई पैन में मैंने रखे हैं चावल, तो बस गुजारा करना है क्योंकि अभी मेहमानों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, तो बस मैनेज करना पड़ेगा। ये देखें, तो अभी साथ साथ में मैं बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है, कि ये है कि देर ना हो जाए, जल्दी से पहुँचे वहाँ तक खैर से। और आयशा फातिमा लगी है ब्लॉग के साथ खेल रही है, यसरा सो गई है। ये बाहर का व्यू भी आप लोग को दिखाती चलूँ, मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि वो जल्दी से मतलब आ जाए, कुछ चीज़ें लेने गए हैं उसका, वो उनका वेट कर रही हूँ मैं। ये देखिए आयशा फातिमा ने कैसे बनाया है ब्लॉग्स, ये देखिए सोफ़ा बनाया हुआ ना, सोफ़ा है, टेबल है, क्या है, पियानो का टेबल है क्या, ये सोफ़ा है। अच्छा, तो ये देखिए, ये मैंने कोयले की धूनी दी है चिकन को, ये बिरयानी के मसाले को, ये देखिए वह निकल रहा है ना, देखिए। अच्छा, ये देखिए सारा मसाला जो बिरयानी का मसाला मैंने बनाया है, मैरिनेट किया हुआ और सब कुछ सारा तैयार करके और कोयले की धूनी दे के अभी मैंने इसमें रख दिया है। ये देखिए सारा डाल दिया है मैंने चावलों के ऊपर, और अभी बस दूसरा तय चावलों का ही लगाऊंगी, ऊपर मैंने बिरयानी मसाला डाला है और सारे मसाले शामिल हैं इसमें, तो जल्दी से अभी इसे जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, इसे मतलब काम को ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, तो ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर से बिरयानी मसाला और बिरयानी एसेंस, केवड़ा एसेंस, सिरका और फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, ये सब कुछ डाल दिए हैं मैंने, और इसकी तय लगा ली है। चावल ज़्यादा थे तो मैंने दूसरी तय भी लगा ली दोबारा से, तो अभी दम देने का टाइम आ गया है, अभी बस 10 से 15 मिनट तक रखूँगी, 10 मिनट सही है, 10 से 12 मिनट सही है, इंशाल्लाह ये रख के जल्दी से मुकम्मल हो जाए काम और जल्दी से मैं भेज दूँ। पार्सल भी मंगवाए मैंने, और ये देखिए पार्सल भी मैंने मंगवा लिए हैं, कितने प्यारे पार्सल है ना, देखिए चिकन कितना प्यारा लग रहा है ना माशाल्लाह से, और मेरे चावल भी इंशाल्लाह, मेरी बिरयानी भी ऐसी ही प्यारी होगी इंशाल्लाह। ये देखिए बस ये पार्सल मंगवा लिए हैं, बस अभी इंशाल्लाह भेजूँगी मेहमानों के लिए इंशाल्लाह। और ये देखिए फातिमा ने भी सोफ़ा बनाया हुआ है, आयशा ने बनाया हुआ है और फातिमा ने भी बनाया हुआ है। थोड़ा सा मैंने कहा कि आप लोग को बाहर का व्यू दिखाती चलूँ, ये देखिए देखो ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से मुझे इतना डर लगता है। ये देखिए बाहर का व्यू भी मदीने का आप लोग को दिखाती चलूँ साथ में, और यसरा अभी तक सो रही है मशरूम से, बहुत ज़्यादा जिद की इसमें, अभी सो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बस खैर से आराम आ गया है इसको, कि काम के टाइम जब बच्चे सोते हैं ना ये उठ जाए कि मैं वहाँ जाके बात करती हूँ, वहाँ पे यूसरा उठ रही थी, मैं आ गई, मैं कहीं ये बात यहाँ पे कंप्लीट करूँ। तो यही मैं बता रही थी कि बच्चों के मतलब बच्चे जब सो जाते हैं मुश्किल से सोते हैं, जिद कर करके फिर जब सो जाते हैं, फिर जब थोड़ी सी बात की ना हो ना उनके पास उनके करीब से, बस उठ जाते हैं दोबारा से, तो इसी जल्दी से निकल गई वहाँ से मैं, मैंने कहा मैं यहाँ पे ब्लॉग में बात करी थी उन्हों की मुझे, और फिर से मैं काम कर रही हूँ, तो मतलब वो फिर तंग करेगी मुझे, फिर से जिद करना शुरू कर देगी। ये आयशा फातिमा जो है खेल रही है यहाँ पे,
आयशा फातिमा भी बोल रही थी हमारा भी ब्लॉग बनाओ, हमारी भी वीडियो बनाओ, है ना आयशा फातिमा? जी जी। अच्छा जी, तो ये आप लोग देख सकते हैं बिरयानी अलहमदिल्ला तैयार हो गई है, अभी बस इसे मिक्स करना है और पार्सल में आप लोग देख सकते हैं पार्सल पड़े हुए हैं, बस पार्सल में इसे डालना है मैंने और ये भेजना है मैंने जल्दी से, मैं बिरयानी भेज देनी है क्योंकि देर हो गई है। अच्छा ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त बिरयानी आई है, ये देखें माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं, ये देखें माशाल्लाह से। मैं पार्सल में मिला के दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा जी आप लोग देख सकते हैं बिरयानी बिल्कुल रेडी है और पार्सल्स में मैंने डाल दी है, ये देखें ये मेरे हस्बैंड पैक कर रहे हैं। ये देखें बाकी पार्सल भी रेडी है, बस इसको पैक करना है। ये देखें रेडी है माशाल्लाह से, ये देखें देखिए बस पार्सल तैयार हो गया है, रेडी हो गए हैं, अभी बेचने हैं बस। अच्छा तो ये आप लोग देख सकते हैं सारी बिरयानी माशाल्लाह से ख़त्म हो गई है, बस यही रह गई है देख में, देखें। तो अगर आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, आज की वीडियो और बिरयानी अच्छी लगी हो तो व्लॉग को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सबके साथ और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल सकती है। तो दुआ में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आप लोग ये ब्लॉग कैसा लगा। नेक्स्ट ब्लॉग मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह शुक्रिया। यस स्टूडेंट।